हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज़ कर्मचारियों के लिए मैं तीन बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, जिनका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपकी फैमिली पेंशन पर पड़ेगा। पहला बड़ा अपडेट होने वाला है एंट्री लेवल पे एरियर्स आपके खातों में पहुँचने तक। दूसरा बड़ा अपडेट होने वाला है एट्थ पे कमीशन को फॉर्मेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। साथ ही साथ तीसरा बड़ा अपडेट पेंशनर्स की पेंशन में रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया है। तो तीन बड़े अपडेट मैं देने वाला हूँ आपको। जानकारी के लिए बता दूँ, आप हमारे चैनल पर जो है कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और उनके वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती है और सिखाई जाती हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। पहली बड़ी खबर आ रही है एंट्री लेवल पे के एरियर्स पर, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आपको मैं जानकारी बता दूं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि पेंशनर्स को एंट्री लेवल पे का जो एरियर्स है वो उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी हाल में एक पेंशनर्स ने कमेंट किया था कि उनको एंट्री पे लेवल का एरियर्स नहीं मिला है। तो मैंने अपने वीडियो के जरिए उनको बताया था कि कैसे आपको क्या एक्शन लेना है, क्या कार्रवाई करनी है, और उसके बाद उन्होंने वो पूरी कार्रवाई की और उसके बाद उनको एंट्री लेवल पे का एरियर्स मिला है। तो एंट्री पे लेवल्स आप भी अगर चाहते हैं तो आप हमें डिटेल में कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, हम उसको एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे सभी के लिए, ताकि एंट्री लेवल पे का एरियर्स है जो काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों पेंशनर्स को उसमें दिक्कत आ रही है। तो हमें बता दूँ, उसके लिए हम डिटेल्ड वीडियो बना देंगे और उसमें आप सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे ताकि आपको एंट्री लेवल पे का एरियर्स जो है आपके खातों में पहुँच जाए। तो ऐसे ही आपके वेलफेयर से रिलेटेड हम इसमें काम करते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं, जो कि निकल कर आ रही है एट्थ पे कमीशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर लिखा गया है गवर्नमेंट को। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से एक ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को एक जो है लेटर लिखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में फॉर्मेशन ऑफ एट्थ पे कमीशन लिखा गया है, जिसमें कई सारी चीज़ें में बात की गई है। इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीपीसी और 6, 7 CPC पे भी बात की गई है। क्या है पूरा मैटर डिटेल में जानेंगे, आप सब्जेक्ट में सामने देख भी पा रहे होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एट्थ सेंट्रल पे कमीशन, जिसमें आप पहले नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं सेंट्रल पे कमीशन्स आर बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर 10 ईयर्स टू एग्जामिन, रिव्यू, इवॉल्व एंड रिकमेंडेड चेंजेस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द एमोलुमेंट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पे अलाउंसेट एंड अदर फैसिलिटीज ऑब्लिक बेनिफिट्स इन सच इन कैश और काइंड एज वेल एज द स्पेशलाइज्ड नीड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एजेंसीज एंड सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नॉर्मल सेंट्रल एक सेंट्रल पे कमीशन है 8 साल के इंटरवल के बीच में आ जाता है, जिसमें कर्मचारियों को और जिसमें एक कमेटी बनाई जाती है, वो एग्जामिन करती है, रिव्यू करती है, उसके बाद में इवॉल्व होती हैं सारी चीज़ें और रिकमेंड किए जाते हैं, उसके बाद में एक जो है पे कमीशन तैयार होता है और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 6 पे कमीशन जो है 1 जनवरी 2006 से लाया गया 10 साल के लिए और 2016 में 7 पे कमीशन लाया गया, उसी के रिगार्डिंग इसमें बात की जा रही है। आप नीचे देखेंगे इसमें आगे इफ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, इट इज़ देयर फोर रिक्वेस्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट एट्थ सेंट्रल पे कमीशन इमीडिएटली टू इनेबल इट टू हैव सफिशेंट टाइम टू गिव कम्प्रहेंसिव रिकमेंडेशंस टू क्लियर ऑल एग्जिस्टिंग एनोमलीज एंड विदाउट गिविंग रूम फॉर फ्यूचर एनोमलीज। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट से जो है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जल्द से जल्द एट्थ पे कमीशन को इनेबल किया जाए, ताकि उसके जो कम्प्रहेंसिव रिकमेंडेशंस होंगे वो जल्द से जल्द जितनी भी एनोमलीज हैं पेंशन में, सैलरी में और कर्मचारियों के और भी अदर पेंशनर्स के अदर बेनिफिट्स में उनको फ्यूचर में उनको दूर किया जा सके। इसमें पॉइंट नंबर आप 6 भी देख सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 देख सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विस शुड नॉट बी कंप्रोमाइज फॉर एनी रीजन, देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस एंड स्कोप फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, न्यू पे कमीशन नीड्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्पैरिटीज एनोमलीज इन सैलरीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एंड फॉर द रीजन एक्सप्लेन्ड
अबाउ सफिशियंट टाइम शुड बी गिवन टू द पे कमीशन टू स्टडी ऑल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू पे एंड अलाउंसेस, वर्किंग कंडीशंस, प्रमोशनल एवेन्यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एक्सेट्रा, एंड टू हियर द व्यूज ऑफ वेरी ऑफ एवरी स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग स्टाफ साइड। तो आप देख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट पे कमीशन आएगा तो जितने भी पेंशनर्स में, पेंशन में, सैलरी में और अदर जो बेनिफिट्स हैं पेंशनर्स के, कर्मचारियों के, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो पाएंगे, पब्लिक सर्विस मिल पाएगी और अच्छी इंप्रूवमेंट हो पाएगी जो है पब्लिक सर्विस की क्वालिटी को लेकर के। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक बड़ी अपडेट दी जा रही है कि जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जल्द से जल्द एक नया पे कमीशन यानी कि 8th पे कमीशन लाया जाए, जिससे कि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बाकी जो जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको, बेनिफिट्स और सैलरीज और पेंशन में जो एनोमलीज हैं, डिस्पैरिटीज हैं, उनको जल्द से जल्द दूर किया जा सके। नेक्स्ट बड़ी अपडेट आ रही है, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से यानी कि CPAO की तरफ से डायरेक्टली एक बहुत बड़ी या बोल सकते हैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पेंशन की जो कि सभी CPCs को यानी सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से सभी CPCs यानी कि सभी बैंकों को एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है या बोल सकते हैं कि ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें सभी पेंशनर्स की पेंशन की जो डिस्पर्सिंग, जितनी भी पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक हैं यानी कि जितनी भी PDB हैं, उनको पेंशन स्लिप से रिलेटेड कई सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं कि आप उनको पेंशन में क्या क्या चीज़ें देंगे, एक पूरा फॉर्मेट तैयार कीजिएगा। बेसिकली मैंने प्रीवियस वीडियोस में सारा फॉर्मेट बताया था, लेकिन एक पेंशनर का कमेंट आया था कि इसको फिर से डिटेल में बता दीजिए, इसलिए मैं इस न्यूज़ को या इस खबर को फिर से या अपडेट्स को फिर से ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं फिर से इसमें सारी चीज़ें हमें क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विच CPCCs हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इनवेरिएबली इश्यूज पेंशन स्लिप टू द पेंशनर्स आफ्टर क्रेडिट ऑफ पेंशन ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू SMS ऑब्लिक व्हाट्सएप एंड ईमेल। द पेंशन स्लिप शुड बी इशूड इन अ सूटेबल एंड वेल लेड आउट फॉर्मेट एंड फॉन्ट्स ऑफ इजी रीडेबिलिटी बाय पेंशनर्स ऑफ ऑल एजेस। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका जितने भी CPCCs हैं यानी जितने भी बैंक्स हैं, आपको पेंशन स्लिप जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है SMS के जरिए या आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल के जरिए आप उसमें पेंशन स्लिप आप ले सकते हैं, और पेंशन स्लिप जो है बिल्कुल सूटेबल और वेल लेड फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉन्ट्स इतने सही से होने चाहिए जिसने कि जब सभी एज के जो पेंशनर्स हैं उसको रीड कर सकें, उनको रीड करने में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आगे आप देख सकते हैं इसमें इन दिस रिकार्ड अ सैम्पल फॉर्मेट ऑफ द पेंशन स्लिप इज इनक्लोज्ड हेयर विद फॉर अडॉप्शन इफ नीडेड द अबव फॉर्मेट मे बी मॉडिफाइड हाउएवर इट मे बी इंश्योर्ड दैट द मॉडिफाइड फॉर्मेट कंटेंस ऑल द इन्फॉर्मेशन मैंसन इन द सैम्पल फॉर्मेट। जिस आप देख सकते हैं कि जो सैंपल है फॉर्मेट का उसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिकली अपडेट की गई हैं, आपके नॉमिनीज, आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप सॉरी डेट ऑफ पेंशनर्स की ज्वाइनिंग और बाकी चीज़ें बहुत सारी अपडेट की गई हैं। अगर आप वो कहेंगे तो हम उस पर भी पूरा डिटेल्ड वीडियो बता देंगे कि आपको नई पेंशन स्लिप में क्या क्या चीज़ें अपडेट होने वाली हैं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।